ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਹਮ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਮ ਕੀਏ ਥੇ। इस 5 साल को भी उन्होंने काम करने के लिए हम लोगों के ऊपर भरोसा रखा है। देश के अंदर सामान्य लोगों की जो आकांक्षा है उसको पूरा की जाएगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने अजय बहुमत से क्या कहते हैं कि एनडीए के पक्ष में अपना क्या कहते हैं कि जो है मत दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो हम लोग पहले से कहते थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि बने हैं, और आज मंत्रिमंडल का क्या कहते हैं कि जब गठन हो गया है उसके बाद डिपार्टमेंट का बंटवारा होगा। बंटवारा होने के बाद सब लोग अपने अपने विभाग में जाएंगे। 10 दिन तक जो है हम लोग हमेशा से 15 दिन तक जो है डिपार्टमेंट में क्या है नहीं है सारे चीज़ का अध्ययन करते हैं, और तब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तब प्रेस को हम लोग बतलाते हैं। इस तो अलावा मंत्री पद की सहुं चुकने वाले रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुखी रामदास अठावले ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ, ਆਦਰਣੀਏ ਪਕਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਜੀ ਠਾਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇ ਅਵਸਰ ਦਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਾ, ਔਰ ਆਦਰਣੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨ ਕਾ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਅਵਸਰ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ ਹੈ। मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। वैसी मेरी पार्टी ऑल इंडिया लेवल की पार्टी है, लेकिन मेरे पार्टी के पास कोई सांसदीय संख्या तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगातार 2014 से मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ बीजेपी के साथ एनडीए के साथ रहा हूं, और मैंने प्रामाणिकता से मेरी भूमिका लोगों के सामने रखी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े है, ऐसे लोगों को बीजेपी की भूमिका, नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका है, ये भूमिका समझाने की कोशिश मैंने की है, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे पार्टी के ज्यादा एमपी ना होने के बावजूद भी मोदी साहब ने मुझे ये मौका दे दिया है, और मुझे जो भी मतलब मंत्रालय मिलेगा वो मंत्रालय का काम मैं अच्छा करूंगा, और पूरे देश भर में जो सबका साथ सबका विकास का नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, सिख हो, सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने के लिए जरूर मतलब मैं काम करता रहूंगा, और मैं मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि भाई उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को अपने एनडीए के मंत्रिमंडल में उन्होंने रखा है, और मैं अच्छा काम करता रहूंगा।